सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम। और आज हम फिर से खेल रहे हैं वही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गेम। बस इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, अल हिजो, मतलब कोई नहीं नाम से क्या है। इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारी सी एक लाइफ शुरू की थी अपनी मॉम के साथ। इस गेम में इसके फादर तो है नहीं, आई थिंक वो एक्सपायर हो चुके हैं। और हमने थोड़े मोटे टास्क किए, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर किसी ने हमारे घर में आग लगा दी और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो हमारी मॉम हमें यहाँ से लेकर निकल पड़ी रेगिस्तान में, और रेगिस्तान पर हम घूमते घूमते पहुँच गए पता नहीं एक अजीब सी जगह पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारी मॉम को अरेस्ट कर लिया उन्हीं लोगों ने जिनने हमारे घर को जलाया था। तो हमें उसको भी यहाँ से रेस्क्यू करवाना है और ख़ुद भी पहले यहाँ से एस्केप करना है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ से भी आगे जाना है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी प्रोग्रेस की थी, मैं काफ़ी नीचे आ गया और मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे आना है। अभी ना मैं लाइब्रेरी में हूँ ना, तो मुझे यहाँ से अभी निकलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ सीढ़ियों का जुगाड़ करके मैं इधर पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर यार इतने ज़्यादा कमरे, पता नहीं मैं किसके महल में आ चुका हूँ, इतने कमरे ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी में हूँ, और ये लाइब्रेरी में इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ किसने लगा रखी है वे। तो मैं यहाँ पर, ये नीचे गार्ड है ना, मुझे इन सब से बचते हुए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो बहुत कुटाई होने वाली है मेरी। तो मैं जैसे ही वो पकड़ लिया, अरे मैं कह ही रहा था कि मुझे इनसे बचना है और इसने मुझे पकड़ लिया। लेकिन कोई नहीं, पकड़ने के बाद हमें इधर से भागना है। भाई साहब इसने मुझे देख लिया था, लेकिन क्या ही देखेगा। और ऊपर एक बच्चा है, मुझे ना अपने जैसे बच्चे यहाँ पर ना के ही हैं, तो यहाँ पर वो उदास से रहते हैं, तो मुझे उन सबको ना इंस्पायर करना है। तो यहाँ पर इसके पास चलते हैं और इसे को थोड़ा बताते हैं, इससे दोस्ती वोस्ती करते हैं। तो यहाँ पर चलो इसको भी थोड़ा हमने हैप्पी कर लिया, इसके भी हम अभी दोस्त बन चुके हैं। तो भाई तो एंजॉय कर अपना, हम चलते हैं इधर से निकलने। देखो गाइस हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर हैं, आपको इस साइड से दिख रहा होगा ना, पता नहीं कोई पहाड़ी है क्या, उसके ऊपर कोई किला बना हुआ है क्या, क्या सीन है पता नहीं। बाकी मैं यहाँ पर आया था, मुझे लगा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर तो निकलने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे मुझे आई थिंक अभी ऊपर ही जाना पड़ेगा, मुझे लगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा उन सब से बचता हुआ, लेकिन नहीं, बचना तो मतलब इस गेम में है ही नहीं, मुझे उनकी आंखों के सामने से जाना पड़ेगा। आंखों के सामने से तो मैं जा ही नहीं सकता। तो इनका ना ध्यान भटकाने तक मुझे इधर पर ना, ये इधर लखा रहे ना, मैं इधर से जाऊँ चुपचाप इधर पर, ये देख तो नहीं लेगा मुझे, नहीं देखा। चलो 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 इधर से भागो, रास्ता किधर पे है। अरे भाई साहब इसने मुझे अभी देख लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर छुप गया हूँ अंधेरे में, इसको नहीं पता। तो रास्ता इधर साइड में ना, नीचे की साइड में, इधर पर ना मैं आवाज़ कर देता हूँ ताकि ये सब उधर देखे, तुम उधर देखो, मैं इधर से निकल जाता हूँ। भाई साहब इनका ध्यान भटकाना पड़ता है, यहाँ पर नीचे एक काम कर रहा है, एक सफाई कर रहा है, पता नहीं क्या काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ से, चलो मैंने चेक पॉइंट तो ले लिया है, और अभी मुझे इधर से ना सामने जाना है। तो ये उधर पर जा तू भाई, चलो ये इधर पर जा रहा है, एक रास्ता नीचे जा रहा है, एक इधर, पहले इधर चलकर देखते हैं उसके बाद नीचे जाएंगे। तो फटाक से इधर से चलो भाई भागते भागते, चलो रास्ता आ गया, मुझे लगा कि रास्ता तो ख़त्म होने वाला है। अभी इधर से ऊपर चलो सीढ़ियों से, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक चेक पॉइंट है, तो इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं ऊपर चलकर। और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ अभी तक दिखा तो नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूँ या फिर मुझे नीचे ही जाना था, देखते हैं। कि वैसे मैं डायरेक्ट ओके, तो मैं इधर से भी डायरेक्ट आ सकता हूँ ना नीचे, चलो ये भी ठीक है। बाकी यहाँ पर, अरे भाई साइड हटना, इसको ना आवाज़ करनी पड़ेगी, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको भी, जा तू इधर जा देख कि कुछ हुआ उधर। चलो ये इधर आया तो मैं इधर पर चला गया, और अभी यहाँ पर ये इस बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ये एक और बच्चा मुझे मिल चुका है। मुझे ना दो बच्चों को इंस्पायर करना था। तो यहाँ पर मैं इसको अगर आवाज़ करूँ तो इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, कर सकता ही नहीं, मतलब मैं ये गाना गा रहा है भाई ये तो अपने। मैं आराम आराम से चलता हूँ, इस बच्चे से दोस्ती करते हैं और इसको भी इंस्पायर करते हैं। और यहाँ पर ओके, तो हमने इसको ना प्लेन बनाना सिखा दिया है, तो अब यहाँ पर ना खूब प्लेन उड़ा, इसकी पढ़ाई पर ध्यान मत दे, पता नहीं ये क्या क्या पढ़ा रहा है। तो अभी मुझे इधर से नीचे उतरना, नीचे उतरने के लिए पहले इस बॉक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उसके बाद इधर से मुझे नीचे चलना है। भाई साहब यहाँ पर
इनसे तो मैं बच जाऊंगा वे, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो नल्ले बेरोजगार है। इधर से चलो नीचे, और यहाँ पर थोड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन ये दोनों दोस्त यहाँ पर साफ सफाई करते रहेंगे, हमें इधर से नीचे चलना है। और अभी ये यार इन दोनों बंदों से बचता हुआ मुझे यहाँ से ना नीचे जाना, नीचे उधर से जा सकता हूँ मैं, एक तो उधर साइड पे है, इधर साइड से तो नहीं जा सकता मैं, किसी भी तरीके से मुझे जाना पड़ेगा तो आगे से ही। तो यहाँ पर जैसे ये इधर पर आएगा ना, मैं ऐसे भी तो नहीं जा सकता, प्रॉब्लम है काफ़ी सारी यहाँ पर। एक इधर से आ रहा है, हट जाना भाई, ये देखो फिर से इसने पकड़ लिया। अरे रुको यार, तो मैं ना एक सेकेंड, इस बार मैं इधर पर आ चुका हूँ, अब निकल जाऊँगा आराम से, और ये तो मुझे देख ही लेगा ना। चलो मैं इधर साइड से आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने चेक पॉइंट मिला लिया, अभी ऊपर चलते हैं इधर से। क्या अरे यार मुझे नीचे जाना है, मैं वापस ऊपर क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, अभी और कोई रास्ता तो है नहीं मेरे पास, तो अभी मुझे इधर से ऊपर ही जाना पड़ेगा, और देखते हैं कि हम फिर से कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर ना चले जाएं। मुझे यहाँ से नीचे निकलना है भाई, यार कितना बड़ा यहाँ पर महल बना रखा है, और यहाँ पर इसने मुझे देख लिया यार, ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं इधर से जा ही नहीं रहा और कहीं ओके, मैं इधर से भी जा सकता हूँ ना, वेट वेट वेट, अरे भाई साहब रुक जा, मैं उधर से नीचे जा सकता हूँ ना, मैं उधर से ऊपर जा ही नहीं रहा अभी, तो इधर पर मैं इसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, और नहीं इसको डिस्ट्रैक्ट क्यों करना, ये तो सामने जा ही रहा है ना, अब निकल जा पकौड़े, इधर जा देखो इधर, चलो ये इधर पर चला गया है तो इसको आवाज़ भी नहीं आई, ये इधर पर जाएगा, मैं इधर से ना नीचे जा सकता हूँ अभी, तो भाई खेलता रहे अपना। ओबे भाई साहब ये ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर ये हो नहीं, चलो एक गाना गा रहा है, एक पता नहीं कुछ खत लिख रहा है यार किसी को, चलो कोई नहीं, मैं मुझे इनसे बचना पड़ेगा यार, मैं मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है यहाँ पर ना, मैं अंधेरे अंधेरे में रहता हूँ तब ये मुझे नोटिस नहीं कर पाएंगे, अगर उजाले में रहा तो ये मेरा पत्ता काट देंगे, और भाई साहब इसकी नज़र तो यहीं पर है, मुझे ना भागना पड़ेगा जैसे ये इधर पर आए, भागो नहीं इसने मुझे देख लिया यार, मैं छुप नहीं पाया, कोई नहीं मैं यहीं पर तो अभी स्पॉन हुआ हूँ, ये तू इधर पर जा जल्दी से, इस बार मैं बच जाऊँगा, मुझे पता चल गया कि मुझे ना यहाँ से निकलना कैसे है, बस यहाँ से मुझे एस्केप करना यार, ये लाइब्रेरी हर जगह यहाँ पर इतनी किताबें, मुझे आज इस लाइब्रेरी से निकलना है बस किसी तरीके से। ओके तो ये इधर पर गया, मुझे ना ओ उसकी सामने वाले की नज़र होती है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टर ओके, मुझे पता था अगर मैं यहाँ पर ना अंधेरे में आ जाऊँगा ना तो ये मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा, अभी इसको इधर जाने देता हूँ, ये मुझे ना देख ले, चलो इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं देखा, अरे उधर जाना यार, चलो ये उधर चला गया, मुझे इधर से निकलना, ये तो आई थिंक मुझे देख नहीं पाएगा, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, और बस मुझे इधर से निकलना है। चेक पॉइंट किधर पे है भाई, चेक पॉइंट उधर साइड है, चलो इधर साइड ही चलते हैं अभी के लिए, तो बाकी यहाँ पर अभी नीचे चलते हैं, और चेक पॉइंट तो नीचे भी है। ओके मुझे वो दरवाज़ा दिख गया जहाँ से ना मैं लाइब्रेरी से निकल सकता हूँ, वो आपको नीला सा दिख रहा है ना चमचमाता हुआ, मुझे उधर से ही निकलना, लेकिन यहाँ पर तो सीढ़ियाँ ही ख़त्म, लेकिन साइड में ना यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, मुझे पत्थरों से नीचे जाना है भाई, सिंपल सीढ़ियों से मैं नीचे क्यों नहीं जा सकता, चलो कोई नहीं अभी यहाँ ही से निकल लेते हैं, और कोई है तो नहीं यहाँ पर, है तो सही लेकिन ध्यान नहीं है अभी किसी का इधर साइड पर ना, तो इसको कलेक्ट करो, उसके बाद मैं इधर से नहीं जा सकता, मुझे इधर से ही जाना पड़ेगा भाई साहब, मैं यहाँ से गिर तो नहीं जाऊँगा, चलो आराम से चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही पतली लकड़ी रख रख के यहाँ पर, और सारे बुलेट यहीं पर निकाल ले यार, पता नहीं क्या पटपट पटपट करता चला जा रहा है, चलो कोई नहीं, मुझे तो इधर से निकलना है ना, तो यहाँ से मुझे इस ढोलक को हटाना पड़ेगा, इसको मुझे खींच कर ना पीछे साइड में ढकेलना पड़ेगा, तो चलो रो भाई इसको आवाज़ आ गई, चलो इसको ना जाने देता हूँ, तब उसके बाद मैं इसको खींचूंगा, इधर ये गया और इसको यहाँ से हटाओ फटाक से, मुझे वो भाई निकलना है मुझे लाइब्रेरी से जल्दी, तो यहाँ से वो तो गया, ठाकुर तो गियो और हम भी इधर से गियो, बस हो गया अपना काम, निकल जाते हैं इधर से, तो भाई साहब लाइब्रेरी से भी एस्केप। आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल कर दो सब्सक्राइब, हम मिलते हैं आपके इसी मज़ेदार गेम्स के साथ, बहुत कुछ करने को बाकी अभी थी इसमें, गुड बाय, टेक केयर।